तो अब हम देखते हैं कोणों के मान को रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है 45 डिग्री है, इसे हमें रेडियन में ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है 30 डिग्री है, और तीसरा प्रश्न जो है ये है 270 डिग्री। ये मान है जो कि डिग्री में दिया गया, हमें रेडियन में ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात ये कि आपको पता होना चाहिए यह संबंध जो कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 1/180 रेडियन। तो ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन है, ये फार्मूला आप कह सकते हैं। तो अब हमें 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक डिग्री है, यहाँ पर हम 45 लिख रहे हैं, 45 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। ये छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हैं इस तरीके से। तो ये जो मान हमें प्राप्त होगा, ये मान रेडियन में प्राप्त होगा। इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा π/4 रेडियन, 45 डिग्री बराबर π/4 रेडियन। ये एक प्रश्न अब हल कर चुके हैं। इसी तरीके से इस संबंध को हमें उपयोग करना है, 30 डिग्री ये जो होगा इसे हम लिखेंगे π/180 × 30। अब ये जो मान हमें प्राप्त हो रहा है ये रेडियन में प्राप्त हो रहा है, तो इसे अब भाग देंगे तो मिल जाएगा आपको π/6 रेडियन। तो यहाँ पर ये इसके लिए उत्तर है। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर, जहाँ पर 270 डिग्री के लिए हमें मान जो है रेडियन में ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 270 डिग्री इक्वल टू π/180 × 270, और ये मान होगा रेडियन में। अब ये जो मान है इसे आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3π/2 रेडियन। तो इस तरीके से 270 डिग्री जो है ये 3π/2 रेडियन के बराबर है। अब आगे देखते हैं कोणों के मान अंशों में ज्ञात कीजिए। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अंश में मान दिया गया था, उसे हमने रेडियन में ज्ञात किया था। तो इसमें से पहला प्रश्न है π/6 रेडियन, दूसरा प्रश्न है 3π/4 रेडियन। चलिए तो इसके पहले आपको ये संबंध पता है कि पाई रेडियन जो होता है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये जो पाई इधर गुणा हुआ है, इधर जा करके ये भाग में आ जाएगा। तो ये जो मान लेफ्ट में, ये 1 रेडियन इक्वल टू ये डिग्री में है। अब हमें π/6 के लिए निकालना है, तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 1/6 रेडियन। ये समझिए कि इसके दोनों तरफ हम π/6 को गुणा कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू π/6, ये डिग्री में है। इसे हल कर लेते हैं, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और 180 डिवाइडेड बाई 6 तो मिल जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं π/6 रेडियन इक्वल टू 30 डिग्री। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर, जहाँ पर है 3π/4। तो 3π/4 रेडियन का जो मान है उसे हमें अंशों में ज्ञात करना है, ये रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो ये मान के चलिए कि हम दोनों तरफ 3π/4 का गुणा कर रहे हैं, तो 3π/4 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 3π/4। यहाँ से ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे जब आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 135 डिग्री। तो इस तरीके से 3π/4 रेडियन इक्वल टू है 135 डिग्री। अब चलते हैं आंकिक प्रश्नों पर। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 30 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 15 मीटर लंबा चाप जो कोण अंतरित करता है उसका मान रेडियन एवं अंशों में ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ें पहले दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया गया है वृत्त की त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं,
और इसका मान दिया गया है 30 मीटर। और चाप की जो लंबाई है उसे हम S से प्रदर्शित करते हैं। ये जो चाप की लंबाई है ये दिया गया है हमें 15 मीटर। और हमें ये संबंध पता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप या फिर इसे थीटा इक्वल टू S बाई R। थीटा जो है ये कोण को प्रदर्शित करता है, S जो चाप को प्रदर्शित करता है, और R वृत्त की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो हमें मान प्राप्त होता है ये रेडियन में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमें कोण का मान ज्ञात करना है, तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू S, S इक्वल टू 15 है और R का मान है 30। तो इस तरीके से हम इसको आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 रेडियन। जो हमें ज्ञात करना था ये एक पहला पार्ट है जहाँ पर कोण का मान हमें रेडियन में प्राप्त हुआ। अब ये मान जो है हमें अंशों में ज्ञात करना है। तो हमें ये पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई, ये अंश में आ रहा है मान। तो हमें 1/2 रेडियन का मान ज्ञात करना है। तो 1/2 रेडियन इक्वल टू 1/2 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1/2। तो इसे जब हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90/पाई और ये मान है अंशों में। और इसे और आगे हल करना चाहें तो पाई का मान। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं, सबसे बड़े कोण का मान 105 अंश है, तीनों कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के पहले आपको समांतर श्रेणी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब ये है कि समांतर श्रेणी जो है वो तीन पदों वाला है। सबसे बड़े कोण का मान 105 अंश है। तो आपको ये पता है कि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद आपको पता होने चाहिए। तो आपने पिछले क्लास में यह पढ़ा है कि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये लिया जाता है, जहां पर a प्रथम पद, d सार्वंतर है। तो इस कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे बड़ा कोण अगर तीन क्रमागत पद हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो अंतिम में जो पद होगा यही सबसे बड़ा कोण होगा, और ये लेफ्ट में जो पद है a माइनस डी ये सबसे छोटा कोण होगा, और हमें क्या दिया गया, सबसे बड़ा कोण। तो ये जो कंसेप्ट है इसका हम उपयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं, माना त्रिभुज के जो कोण समांतर श्रेणी में है वह थीटा माइनस अल्फा, थीटा और थीटा प्लस अल्फा है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 अंश। क्यों होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इस कंसेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। तो ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ये माइनस अल्फा और प्लस अल्फा दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें यहां से मिलेगा 3 थीटा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा तीन बार है, तो ये 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसे और आगे हल करेंगे तो मिलेगा थीटा इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, तो यहां से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पर जो थीटा और अल्फा अज्ञात राशि है उसमें से हमें थीटा का मान मिल गया। अब क्या दिया गया है, सबसे बड़े कोण का मान 105 अंश है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ये थीटा प्लस अल्फा। तो हम लिखेंगे थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 105, थीटा का मान यहाँ पर रख दीजिए 60 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 105। और यहाँ से जब आगे हल करेंगे ये 60 को हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू 105 माइनस 60 डिग्री। इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए
थीटा और अल्फा ज्ञात हो गया तो हमें ये कोण मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पहला कोण क्या है, थीटा माइनस अल्फा। थीटा का मान है 60 डिग्री, अल्फा का मान है 45 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 15 डिग्री। दूसरा कोण तो खुद थीटा है और थीटा का मान हमारे पास है 60 डिग्री। और फिर तीसरा या फिर अंतिम कोण ये हमें दिया गया था, ये क्या है, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 105 डिग्री। अब ये जो तीनों कोण है इसका मान हमें रेडियन में ज्ञात करना है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। इसे और आगे हमने जब हल किया तो हमें मिला था 1 डिग्री इक्वल टू 1/80 रेडियन। तो चलिए पहला 15 डिग्री, तो 15 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 15 डिग्री। क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में हम 15 अंश का गुणा कर रहे हैं, 15 डिग्री का गुणा कर रहे हैं। इसे जब आप आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 12 रेडियन। दूसरा है 60 अंश पाई अपॉन 180 इंटू 60। यहाँ पर भी हम दोनों पक्षों में 60 डिग्री का गुणा कर रहे हैं। इसे जब हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। अब बच गया 105 डिग्री। 105 डिग्री को यहाँ पर ये जो हमें रिलेशन है दोनों पक्षों में हम 105 डिग्री का गुणा कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 105 रेडियन। इसे जब हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7π/12 रेडियन। ये 105 डिग्री बराबर 7π/12 रेडियन। तो ये हमें तीन मान ज्ञात करने थे, एक ये है पाई बाई 12, दूसरा है पाई बाई 3 और ये तीसरा है 7π/12 रेडियन। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर है 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का वृत्तीय तार काटकर 120 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पहिए की परिधि पर लपेटा जाता है, तार द्वारा पहिए के केंद्र पर बने कोण को ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है ये 7.5 सेंटीमीटर है और इसके अलावा एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 120 सेंटीमीटर है। अब क्या किया जा रहा है, ये 7.5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या को काटकर, यहाँ से हमने इसको कट डाउन कर दिया, तो जो लेंथ बन रही है उसे हमें यहाँ पर अध्यारोपित करना है। इसका मतलब ये कि सपोज यहाँ से हमने कट कर दिया, यहाँ से लेकर ऐसे चलने के बाद ये जो लेंथ आ रही है यहाँ तक, उसे हमें यहाँ से या इस वृत्त में किसी बिंदु से स्टार्ट करके इसके ऊपर रख देना है। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे मिलाना है। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है यह कोण हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ति तार को काटकर 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ति पहिए पर लपेटा जा रहा है। इसका मतलब ये कि ये जो 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था उसकी परिधि को हम यहाँ पर चाप के रूप में रख रहे हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती 2πr, तो यहाँ से हम मान रख देंगे 2π और r का मान है 7.5 सेंटीमीटर। तो इसको जब गुणा करेंगे 7.5 इंटू 2 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 15π। अब क्या किया जा रहा है, 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर ये जो लंबाई हमें मिली है इससे क्या बनेगा, चाप बनेगा। तो वृत्त पर चाप द्वारा बनाया गया कोण, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या
बड़ा आसान है। तो मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है और चाप ये है 15 पाई और त्रिज्या जो है ये है 120 सेंटीमीटर। इसे जब आप हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पाई बाई 8, ये यहाँ से 1 टाइम में जाएगा और ये 8 टाइम में जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 15 पाई बाई 180 इक्वल टू पाई बाई 8 रेडियन, और यही इसके लिए उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 और 75 अंश के कोण बनाते हों तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो कोण दिया गया है, एक तो 60 अंश और दूसरा 75 अंश, लेकिन यह कहा गया है कि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, तो इसका मतलब यह है कि जो चाप की लंबाई है वह स्थिर है या फिर एक अचर राशि है। चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो आप जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यह होता है, और इसे आप लिखते हैं कभी कभी थीटा इक्वल टू एस अपान आर। चूंकि चाप की लंबाइयां समान हैं अतः आप लिखेंगे थीटा जो होगा यह अनुक्रमानुपाती होगा आर के, ये एस जो है कांस्टेंट है, तो ये हमें मिल जाएगा जैसे थीटा का मान, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा 1/r का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये थीटा जो है समानुपाती है 1/r के। तो यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल टू ये आर 2 अपॉन आर 1 आएगा। देखिए ये थीटा अपॉन 1 है, ये 1/r है, तो यहाँ पर जब थीटा 1 होगा तो यहाँ पर आर 1 मिलेगा, यहाँ पर थीटा 2 होगा तो यहाँ पर हमें आर 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें जो चाप की लंबाई है वह समान दिया गया है। तो यहाँ से हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आर 1 अपॉन आर 2, ये इस अनुपात को हम उल्टा कर रहे हैं, आर 1 अपॉन आर 2 इक्वल टू आप लिखेंगे थीटा 1 थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 ये दिया गया है 75 डिग्री और थीटा 1 दिया गया है 60 डिग्री। तो इस तरीके से हल करने पर आपको मिल जाएगा 5:4, और यही अनुपात आपको ज्ञात करना था, त्रिज्याओं का अनुपात जो होगा वो 5:4 होगा। अगला प्रश्न। वृत्त का एक व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या की जो दुगुनी होती है वो व्यास होती है, और यहाँ पर व्यास की लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर दी गई है। तो व्यास यदि 40 सेंटीमीटर का होगा तो उसकी जो त्रिज्या होगी ये इसकी आधी हो जाएगी, 40/2 बराबर 20। 20 सेंटीमीटर एक वृत्त की त्रिज्या है। तो चलिए एक रफ स्केच बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ पर एक चाप की लंबाई दी गई है, और यहाँ पर एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है ऐसा कहा गया है। तो हम मान लेते हैं कि ये एक चाप है जिसकी लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, माना ये ए है और ये बी है, वृत्त के केंद्र सी से इस बिंदु को मिला दीजिए और इस बिंदु को मिला दीजिए, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब या खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। तो ये आर और यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हमें 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये मान भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये मान भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि यह समबाहु त्रिभुज है त्रिभुज ए सी बी एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। मान लेते हैं कि ये थीटा है। अब चूंकि तीनों भुजाएं बराबर है
तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, तो आप लिखेंगे थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 3 थीटा इक्वल टू 180, और आप सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या में जो कोण होता है वह रेडियन में दिया होता है, तो ये जो 60 डिग्री है इसे आपको रेडियन में परिवर्तित करना है। पूर्व में हम कर चुके हैं, ये पाई बाय 3 रेडियन के बराबर होता है। तो चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण का मान आप रख दीजिए पाई बाय 3 रेडियन, चाप का मान यह हमें ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ से हम चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। चाप बराबर 20 गुणित पाई बटे 3 सेंटीमीटर, और यही था जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय केंद्रीय कोण 15 अंश का बनता है, अंतःखंडित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप एक रफ स्केच बना लेते हैं। यहाँ पर वृत्त का केंद्र है और इस तरीके से एक छोटा कोण बन रहा है जो कि 15 डिग्री का है। मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि चाप कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण का मान 15 डिग्री दिया गया है, और इसे आप रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से गुणा कर देंगे। चाप का मान हमें ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर दी गई है, तो इस तरीके से आप चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। चाप बराबर आप लिखेंगे 15 गुणित पाई बटे 180, और इसमें आप 25 का गुणा करेंगे, तो इस तरीके से इसको जब आप हल करेंगे तो मिल जाएगा 25 पाई बटे 12 सेंटीमीटर, यही चाप की लंबाई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किसी बहुभुज क्षेत्र के कोण समांतर श्रेणी में हैं, उनके सबसे छोटे कोण का मान 2 पाई बाई 3 रेडियन और कोणों का सार्वांतर 5 डिग्री है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मानते हैं कि माना भुजाओं की संख्या n है, तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग जो होता है वो भुजा के संख्या से किस प्रकार संबंधित होता है उसे हम जानते हैं। वह कुछ इस प्रकार है, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का जो योगफल है ये बराबर होता है 2n-4 समकोण के, जहाँ पर n भुजाओं की संख्या है। तो इस तरीके से इसे अब हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2n-4 into 90 समकोण, जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, तो इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं। चलिए आगे दिया गया है कि सबसे छोटा कोण मान लेते हैं कि ये ए है, ये 2/3 इंटू पाई रेडियन के बराबर है। अब रेडियन में जो मान दिया गया इसे आपको डिग्री में बदलना है, तो पाई के स्थान पर आप 180 रख दीजिए, इसे हल करने पर आपको मिल जाएगा 120 अंश। और साथ में दिया गया है बहुभुज का सार्वांतर, मान लेते हैं कि ये डी है, ये 5 डिग्री है। तो समांतर श्रेणी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है, जहाँ पर ए प्रथम पद, डी सार्वांतर, एन पदों की संख्या को दर्शाता है। अब आगे प्रश्न पर यहाँ पर आ रहा है कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल, चूंकि सभी अंतः कोण जो हैं वो समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर पहला जो समीकरण इसका उपयोग करेंगे,
बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल, समीकरण एक से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n by 2, 2a plus n minus 1 into d equal to, ये जो मान हमें मिला है 2n minus 4 into 90। अब n, तो हम n मान करके चले हैं, a ये 120 डिग्री हमें यहाँ पर मिल रहा है और d का मान सर्वांतर ये 5 डिग्री मिल रहा है, तो यहाँ से हम ये मान रख देते हैं n by 2 into 120 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, और आगे यदि इन दोनों से हम दो को कॉमन ले लें या उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ पर आएगा n माइनस 2 और ये 90 डिग्री। ये जो 2 है इसे हम इस तरफ गुणा कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो आपको मिलेगा n इंटू 240 डिग्री प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू, देखिए ये दो और दो का गुणा करेंगे तो 4 और 90 गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 360, तो 360 गुणा एन माइनस 2, 240 ऋण 5 है, इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा 235 धन 5n बराबर 360 गुणा एन ऋण 2। इन दोनों पदों में 5 जो है वह उभयनिष्ठ है, तो 5 को कॉमन निकाल लीजिए तो मिल जाएगा 47 धन n, और ये है 360 गुणा एन माइनस 2। n इंटू 47 धन n, देखिए ये 5 इधर गुणा हुआ इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35 एक बज गया और 5 दूनी 10, तो इस तरीके से 360 बटे 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 72, और ये है n माइनस 2, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो आपको मिल जाएगा 47 n प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 72 n माइनस 72 इंटू 72 करेंगे तो मिल जाएगा 144। इन सारे पदों को एक तरफ ले आइए, तो पहला पद बड़ा घात वाला वो n स्क्वायर है, फिर यहाँ पर ये 47n और फिर ये 72n और ये धन 144, तो इस तरीके से इसको जब आप हल करेंगे तो आपको एक वर्ग समीकरण मिल रहा है जो कि है n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। एक वर्ग समीकरण, इसे आप सूत्र विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं या फिर बीच के मध्य पद को दो भागों में तोड़कर भी आप हल कर सकते हैं। तो इसे हल करने के लिए मैं लिख रहा हूँ n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 16n प्लस 144। ये कैसे करते हैं आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, देखिए माइनस 9n माइनस 16n करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 25n और इन दोनों का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा आपको 144। प्रथम दो पदों से n और अंतिम दो पदों से 16 को हम कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा n इंटू एन माइनस 9 माइनस 16 और n माइनस 9 इक्वल टू 0। n माइनस 9 दोनों पदों में है, n माइनस 9 को हमने कॉमन ले लिया, ये n और ये माइनस 16 इक्वल टू 0। दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है, तो या तो n माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा या फिर n माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है n इक्वल टू 9 या फिर n इक्वल टू 16। तो यही बहुभुजों में भुजाओं की संख्या है जो कि हमें ज्ञात करना था, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भुजाओं की संख्या 9 और 16 है जो कि दिए गए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक पहिया एक मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो एक सेकंड में कितने रेडियन बनाएगा। तो चलिए पहले हम एक सेकंड में कितनी परिक्रमा लगाता है यह निकाल लेते हैं, फिर हम वो कितने रेडियन बनाता है यह ज्ञात करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 60 सेकंड में 360 परिक्रमण कर रहा है वो, तो एक सेकंड में हम लिख सकते हैं बराबर 360 बटे 60 परिक्रमण यह करेगा, जिसे हल करेंगे तो मिल जाएगा 6 परिक्रमण। एक सेकंड में 6 परिक्रमा कर रहा है वो। अब एक परिक्रमा करने पर बना जो कोण है यह 360 डिग्री का होता है, या फिर आप इसे 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो 6 परिक्रमण पर
ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में 6 का गुणा कर देते हैं, तो 6 गुणित 2 पाई बराबर 12 पाई, और यह मान है रेडियन में जो कि हमें ज्ञात करना था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सेकंड में एक जो पहिया है प्रश्न में जो दिया गया है वह 12 पाई रेडियन कोण बनाता है।